कैलेंडर के बाद ये वाला टॉपिक आता है जो कि है क्लॉक, और बहुत ही आसान और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है, मैं इधर सब कुछ आपको सिखाऊंगा। तो वीडियो लास्ट तक देखना, इधर मैं सब टाइप्स कवर कर दूंगा, ठीक है? तो चलिए, सो क्लॉक, क्लॉक में क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। पहला क्वेश्चन आ सकता है एंगल के ऊपर, ठीक है? मिनट हैंड एंड आवर्स हैंड के बीच में क्या एंगल है। मिनट हैंड कौन सा काटा बोलते हैं, जो लंबा वाला काटा होता है, जो आवर हैंड क्या होता है, छोटा वाला काटा होता है। तो बोल देगा आपको, बोल सकते हैं कि मिनट हैंड एंड आवर हैंड के बीच में कितना एंगल होगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि मिनट हैंड एंड आवर हैंड के ऊपर कब दोनों एक साथ कोइंसाइड करेगा। कोइंसाइड का मतलब क्या समझ में आ रहा है, जब आवर हैंड एंड मिनट हैंड एक साथ कोइंसाइड करेगा, मींस एक साथ रहेगा 0 डिग्री एंगल पे। दूसरा पूछ सकते हैं कि राइट एंगल में कब रहेगा, मिनट हैंड एंड आवर हैंड, ठीक है? एंड तीसरा पूछ सकते हैं कि 0 डिग्री और स्ट्रेट लाइन में कब रहेगा, उसमें ऐसा भी हो सकता है मिनट हैंड एंड आवर हैंड, ठीक है? ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है? और लास्ट और एक टाइप का जो क्वेश्चन आ सकता है वो है मिरर इमेज। अगर वो क्वेश्चन आपको आ जाएगा तो आप सोच लेना कि आप बहुत ही लकी है, ठीक है? सो एक ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है जिससे हम लोग ये क्लॉक सॉल्व करेंगे वो है ये फॉर्मूला, ये एंगल का फॉर्मूला है। अगर ये फॉर्मूला आपको याद हो जाता है तो आपका, सोच लीजिए, ये क्लॉक वाला चैप्टर आपका हो गया, ठीक है? और ये फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ये फॉर्मूला क्या बोल रहा है, ये फॉर्मूला है एंगल निकालने का फॉर्मूला, ठीक है? एंगल निकालने का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या बोलता है, 11/2 मिनट्स माइनस 30 आवर, ठीक है? माइनस 30 इंटू आवर, ठीक है? 11/2 मिनट्स माइनस 30 इंटू आवर, ठीक है? ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पहला टाइप का क्वेश्चन जिसमें हमें एंगल निकालने पड़ेगा, ठीक है? तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। एट 3:40 फाइंड आउट द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड, ठीक है? क्या बोल रहा है, एट 3:40 फाइंड आउट द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड, ठीक है? तो एंगल निकालने का फॉर्मूला दिया हुआ है, क्या है, 11/2 इंटू मिनट्स, मिनट्स क्या है इधर 40 मिनट्स, माइनस 30 इंटू आवर, आवर क्या है 3 आवर, ठीक है? तो इसको करते हैं 40 मीन्स 220 माइनस 90, तो 220 माइनस 90 ये क्या है, ये है एंगल पे, एंगल कैसे होता है डिग्री पे होता है, एंगल क्या होता है डिग्री पे होता है, तो 130 डिग्री एंड दिस विल बी आवर आंसर, ठीक है? कितना आसान है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है। 11/2 इंटू मिनट्स, मिनट्स क्या है इधर 40 मिनट्स है, 40 माइनस 30 इंटू आवर्स, आवर्स क्या है 3 आवर्स, अब डायरेक्ट माइनस कर दीजिए तो आ गया 130 डिग्री, ठीक है? तो कितना एंगल है, फाइंड आउट द एंगल बिटवीन मिनट्स हैंड एंड आवर हैंड, तो मिनट हैंड एंड आवर हैंड के बीच में एंगल क्या है, एंगल है 130 डिग्री, ठीक है? तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, ठीक है? सो एट 8 आवर फाइंड आउट द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड, ठीक है? तो क्या बोल रहा है, 8 बजे में जब 8 बजे होगा तो क्या एंगल होगा मिनट हैंड एंड आवर हैंड के बीच में। तो अगर 8 आवर्स दिया जाएगा ऐसे, इसका मतलब क्या है, 8 आवर्स का मतलब क्या है 7 आवर्स 60 मिनट, ठीक है? हमेशा ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना, 8 आवर्स का मतलब क्या है 7 आवर्स 60 मिनट, ठीक है? हमेशा ऐसे कर लेना। अब फॉर्मूला में बिठा देते हैं, क्या होता है एंगल इज इक्वल टू, क्या होता है एंगल इज इक्वल टू 11/2 इंटू मिनट्स माइनस, मिनट्स क्या है 60, क्यों हम लोग 0 0 नहीं ले सकते, क्योंकि 0 हो जाएगा ना वैल्यू, उसीलिए हम लोग 7 आवर 60 मिनट लेते हैं। माइनस 30 इंटू आवर, आवर क्या है हमारा 7, गलती से भी 8 मत लिख देना, इसको पकड़ के करना है, इसको पकड़ के, ठीक है? तो 3:30 माइनस 210, तो हमारा आंसर आपका आ गया कितना, ये क्या है डिग्री में है क्योंकि हम लोग एंगल निकल रहे हैं,
तो 120 डिग्री एंड दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है, सो और कुछ सम सॉल्व कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री क्या बोल रहा है, तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री क्या बोल रहा है। ठीक है, 20 मिनट्स पास्ट 5 o'clock, ठीक है, फाइंड द एंगल बिटवीन मिनट्स एंड आवर हैं। ठीक है, क्या बोला हमें एंगल निकालना है, क्या बोल रहा है, 20 मिनट्स बोला है, पास्ट 5 o'clock बोला है। ठीक है, तो आवर क्या है, 5 है, आवर क्या है, 5 है, और मिनट्स क्या है, 20 है, तो एंगल हम लोग निकाल सकते हैं। एंगल का फॉर्मूला क्या था, एंगल इज इक्वल टू 11/2 इंटू मिनट्स, मिनट्स क्या है 20, माइनस 30 इंटू आवर मीन्स 5, 10 माइनस 15। ठीक है, तो आंसर क्या आ रहा है, माइनस 40 डिग्री। ठीक है, सिंस ये एंगल पे है और एंगल में नेगेटिव नहीं होता है, सो इन एंगल, इन एंगल वी डोंट कंसीडर नेगेटिव। ओके, इन एंगल वी डोंट कंसीडर नेगेटिव, देयरफॉर द आंसर विल बी 40 डिग्री। ओके, सो 20 मिनट्स पास 5 o'clock के बीच में मिनट हैंड एंड आवर हैंड का एंगल कितना है, मिनट हैंड एंड आवर हैंड का एंगल है 40 डिग्री। ठीक है, तो और एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं कि अगर 38 मिनट्स पास्ट, ठीक है, 7 o'clock दिया रहता, 7 o'clock दिया रहता, फाइंड द एंगल। ठीक है, तो मैं दूसरा पेन ले लेता हूं, अगर सेम नेगेटिव देख के माइनस में आंसर देख के डर मत जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि ये एंगल में है, आपको सिर्फ मतलब साइन छोड़ के वो वैल्यू लिखना है। तो चलिए, अगर ये 38 मिनट्स पास 7 o'clock दिया रहता तो आप कैसे करते, खुद करिए। एंगल इज इक्वल टू क्या होगा, 11/2 इंटू मिनट्स क्या है, 38 मिनट्स, माइनस 30 इंटू आवर क्या है, 7। ठीक है, 2 into 1 2 2 into 9 18, तो 11 into 19 क्या होता है, 209, माइनस 3 into 7 होता है, 210। ठीक है, तो आंसर क्या आ रहा है, 1 degree। ठीक है, माइनस में आ रहा था बट मैं माइनस नहीं लिखा क्योंकि एंगल में कोई नेगेटिव नहीं होता, सो व्हाट विल बी योर आंसर, सो योर आंसर विल बी 1 degree। ठीक है, तो चलिए एक और नया टाइप सीख लेते हैं, तो चलिए देख लेते हैं टाइप टू क्वेश्चन क्या आ सकता है। ठीक है, टाइप टू के लिए ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे फॉर्मूला से करना पड़ता है, पिछले वाले फॉर्मूला से भी आप कर सकते हैं बट उसमें गलत होने का चांसेस आ जाता है, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं ले रहा हूं, आपको ये एकदम रेडीमेड फॉर्मूला दे रहा हूं। ठीक है, ताकि आप लोग सही से कर पाओ। तो चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 and 4 o'clock द हैंड ऑफ ए क्लॉक इज टूगेदर, कौन सा टाइम में इन बिटवीन 3 o'clock and 4 o'clock जो क्लॉक्स का हैंड है, मीन्स आवर हैंड एंड मिनट हैंड है, दोनों एक साथ होगा, मीन्स आप मान लो ये है मिनट हैंड और ये है आवर हैंड, कौन सा टाइम में दोनों एक साथ होगा, मीन्स क्या बोल रहा है, दोनों कोइंसाइड करेगा, इसका मतलब एंगल क्या होगा, इसका मतलब एंगल होगा आपका 0 degree। आपको समझ में आ गया, कौन सा टाइम है बिटवीन 3 to 4 o'clock, 3 o'clock and 4 o'clock के बीच में कौन सा टाइम है मिनट हैंड एंड आवर हैंड एक साथ कोइंसाइड करेगा, मतलब एंगल कितना होगा, 0 degree होगा। और इस फॉर्मूला में आपको एक चीज याद रखना है, ये दो मतलब प्लस माइनस जो लिखा हो इसका कॉन्सेप्ट कैसे होगा, ये जो फॉर्मूला में मैं लिखा हूं ना, 30 into hour प्लस माइनस एंगल। ठीक है, तो ये कब प्लस करना है, कब माइनस करना है। ठीक है, जब ये जो ब्रैकेट है, ये जो ब्रैकेट है, इन दोनों ब्रैकेट के बीच में पहले आप दोनों को ऐड करके देखिए, इन दोनों को ऐड करके देखिए, अगर 360 डिग्री और 360 डिग्री के कम होता है तो आपको ये ऐड करना होगा, अगर दोनों को ऐड करके आप देख रहे हैं कि अगर ये 360 डिग्री से ज्यादा हो रहा है तो आपको इधर
सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, मींस माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। आपको मैं कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को बोलते हैं। और हमेशा और एक चीज याद रखना, आवर में जो छोटा नंबर है दोनों के बीच में उसको लेना है, मतलब थ्री और फोर में छोटा कौन है, थ्री, तो आवर में हम लोग थ्री लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, कौन सा व्हाट टाइम बोल रहा है, ठीक है, कौन सा टाइम है, कौन सा मिनट में, ठीक है, निकालते हैं। सॉरी, 2/11 इंटू ब्रैकेट में 30 इंटू आवर, आवर क्या है, छोटा लेना है, मीन्स थ्री। अब देखिए प्लस माइनस क्या करना है, एंगल, ठीक है। अब मन में 30 इंटू थ्री क्या होता है, 90, मन में प्लस कर लीजिए, प्लस 0 डिग्री मीन्स 90 है, मीन्स ये 360 डिग्री से छोटा है, तो उसका मतलब हम लोग प्लस 0 कर, ठीक है, समझ में आ गया। अब मन में प्लस करके देख लीजिए, अगर 360 डिग्री से बड़ा होगा तो इधर सब्ट्रैक्ट होगा, अगर 360 डिग्री और 360 डिग्री से छोटा होगा तो एडिशन होगा, प्लस होगा, ठीक है। तो क्या होगा, 2/11 इंटू 90 मीन्स, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर आएगा ये 180/11 इज इक्वल टू 64/11 मिनट्स, एंड दिस विल बी योर आंसर। आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप का और एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, चलिए। तो चलिए देख लेते हैं इसका दूसरा टाइप क्या है। एट व्हाट टाइम बिटवीन 10 o'clock एंड 11 o'clock द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक विल मेक राइट एंगल, ठीक है। क्या बोल रहा है, 10 o'clock एंड 11 o'clock के बीच में कौन सा टाइम में जो आवर हैंड है एंड मिनट हैंड है वो दोनों राइट एंगल बना रहे हैं, ठीक है, राइट एंगल बना रहे हैं, कौन सा टाइम है, ठीक है, वो हमें निकालना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, फॉर्मूला बताए है, 2/11 इंटू 30 इंटू आवर क्या है, छोटा लेना है, 10/11 में छोटा क्या है, 10 है, माइनस और प्लस करने से पहले आपको मन में कैलकुलेशन करके देखना है, ठीक है। तो राइट एंगल का मतलब क्या होता है, राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है, राइट एंगल का मतलब क्या होता है 90 डिग्री। 30 इंटू 10 क्या होता है, 300, मन में प्लस कीजिए, 300 प्लस 90 क्या होता है, 390। 360 से बड़ा है या छोटा है, बड़ा है, 360 से बड़ा है तो क्या करना है, हमें माइनस करना है, माइनस क्या करना है, 90 डिग्री, ठीक है, ये आपको याद रखना है, बाकी आपका सम्स हो गया। तो 300 माइनस 90 क्या होता है, बोलिए, 2/11 बाय 210, ठीक है। तो इसका आंसर आपका आएगा 38/11 मिनट्स, ठीक है, और टाइम क्या रहेगा, मिनट्स में रहेगा, ठीक है। तो आपको बोला दिया जाएगा कि कौन सा टाइम में हो, मतलब कौन सा टाइम में बिटवीन 10 o'clock एंड 11 o'clock में जो आवर हैंड एंड मिनट्स हैंड है वो राइट एंगल बना रहा है, तो कौन सा टाइम में बना रहा है, इस टाइम में बना रहा है, ठीक है, 38/11 मिनट्स। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिरर इमेज वाला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं टाइप थ्री, जो कि है मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ए मैन सॉ ए वॉल क्लॉक इन द मिरर ही फाइंड्स दैट द मिनट हैंड इज एट 12 एंड आवर हैंड इज एट 9, व्हाट इज द एक्चुअल टाइम। क्या बोल रहा है, एक मैन ने एक वॉल क्लॉक देखा, कहां पे, मिरर में, जहां पे उसको क्या दिखाई दे रहा था कि उसका जो मिनट हैंड है वो कहां पे, 12 पे है, और जो आवर हैंड है वो कहां पे है, उसका जो आवर हैंड पे है वो कहां पे, 9 पे, ठीक है। आपको पता है कैसे होता है क्लॉक, 12 6 9, ठीक है। तो ये पूछा है कि व्हाट इज द एक्चुअल टाइम, एकदम सिंपल है, घड़ी में कितना आवर होता है टोटल, एक घड़ी में टोटल होता है 12 आवर, ठीक है। मैं नॉर्मल डिजिटल क्लॉक का नहीं बोल रहा, मैं नॉर्मल एनालॉग क्लॉक का बोल रहा हूँ, ठीक है। डिजिटल क्लॉक में आप बोल सकते हैं 24 आवर्स है, बट मैं बोलूंगा कि एनालॉग क्लॉक का क्या रहता है, 12 तक रहता है। तो 12 आवर्स को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1160, और इसको मिरर इमेज क्या आ रहा है, 9
9:12 का मतलब क्या होता है, 9:12 का मतलब क्या होता है, 9 o'clock, बट 9 o'clock हम लोग लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, हम लोग क्या लिखेंगे 9 o'clock के जगह पे, बोलिए 8 hour 60 minute, ठीक है, 3, तो आपका आंसर हो गया 3 o'clock, ठीक है। आप तो इसको ऐसे भी देख के कर सकते थे कि आपका कॉमन सेंस थोड़ा ट्रिकी कर देते। सपोज आप मान लीजिए कि एक इंसान ने देखा कि मिरर में क्या देखा कि टाइम, मतलब सपोज आपको बोल दिया कि 9 hour 12 minute है, 9 hour 12 minute है, ठीक है, इसका मिरर इमेज क्या होगा, ठीक है, इसका ये मिरर इमेज है, सॉरी 9 hours 12 minute एक मिरर इमेज है, ठीक है, देन एक्चुअल टाइम क्या है, आपको पूछ सकता है एक्चुअल टाइम क्या है, तो इसको कैसे करेंगे, एक्चुअल टाइम सिंपल सा बात है, कुछ नहीं है, 12 hour मतलब 11:60 -9:12, ठीक है, माइनस कर दो तो आपका आ जाएगा 8:52, सो दिस विल बी योर एक्चुअल टाइम, ठीक है, अगर मैं फॉर एग्जांपल दिखा दिया, ठीक है, तो इसको तो आप आराम से ऐसे कॉमन सेंस यूज करके निकाल नहीं सकते ना, सो ऐसे निकालना पड़ता है, ठीक है, तो ये मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट हो गया, तो और थोड़ा कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो चलिए ये वाला टेबल आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है, और याद रखना, ठीक है, क्या किस किस तरह का हैंड्स आ सकता है, ठीक है, बोथ द हैंड में मतलब क्या क्या एंगल आ सकता है, जैसे कोइंसाइड बोल सकते हैं, कोइंसाइड मतलब 0 degree होता है, ठीक है, और कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो 12 घंटे में मीन्स नंबर ऑफ टाइम्स इट्स हैपेंड इन 12 hours, ठीक है, तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि कभी कभी आ जाता है कि कोइंसाइड 12 घंटे में कितना बार आवर हैंड एंड मिनट हैंड कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है, 12 घंटे में, ठीक है, कोइंसाइड मतलब 0 degree एंगल, तो 11 times, ठीक है, कभी कभी बोल सकता है कि 12 घंटे में मिनट हैंड एंड आवर हैंड कब तक मींस राइट एंगल बनाएगा, राइट एंगल बनाना मतलब क्या है 90 degree, ठीक है, तो 90 degree कितना बार बनाएगा, 22 times, ऑप्शन देखेंगे आप टिक मार देंगे, तो आपको ये याद रखना है, कभी कभी बोलेगा कि मिनट हैंड एंड आवर हैंड कब 12 घंटे के बीच में कितना बार ऑपोजिट डिरेक्शन में रहेगा, और हाँ ऑपोजिट डिरेक्शन में रहेगा मीन्स ऐसे रहेगा मतलब क्या है, ऐसे रहेगा मतलब ये क्या है 180 degree है, ठीक है, आवर हैंड मान लीजिए ये है आवर हैंड, ये है मिनट हैंड, ऐसे है, इसका मतलब क्या है 180 degree, ठीक है, कितने बार हो रहा है 11 times, और लास्ट है स्ट्रेट लाइन, कितना बार स्ट्रेट लाइन होगा 12 घंटे के बीच में, स्ट्रेट लाइन क्या ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, दोनों तो स्ट्रेट लाइन है ना, कोइंसाइड भी स्ट्रेट लाइन है और ऑपोजिट भी स्ट्रेट लाइन है, तो कितना बार हो सकता है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन प्लस कोइंसाइड कर दो, 11 + 11 क्या होता है 22, तो क्या क्या हो सकता है स्ट्रेट लाइन, 0 degree भी हो सकता है, 180 degree भी हो सकता है, ठीक है, ये चार्ट को आप याद रख लेना, और लास्ट अभी आप लोगों को मैं एक लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा जो कि एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन है जो आपको मतलब नोटिस रखना है, ठीक है, तो चलिए चलते आज के लास्ट क्वेश्चन में, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, इस फॉर्मूला का ये एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, ठीक है, तो सबसे पहले आई विल सजेस्ट यू ऑल कि खुद फ्राई करो, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखो, ठीक है, क्या बोला, एट व्हाट टाइम बिटवीन 5 o'clock एंड 5:30 विल द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक विल बी राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब क्या होता है 90 degree, ठीक है, तो चलिए फॉर्मूला में बिठाते हैं, 2/11 × 30 × आवर, आवर क्या लेना है जो सबसे छोटा है, और ये 5 है, तो इंटू 5, अब प्लस माइनस में क्या लेना है, हम लोग क्या सीखे थे, प्लस माइनस में क्या लेना है जी, इसको प्लस करके 30 × 5 क्या होता है 150 प्लस 90 1 में करो देखो क्या होता है 240, तो 240 क्या है 360 छोटा है, तो हम लोग ऑफकोर्स हम लोग जो सीखे थे क्या करेंगे प्लस करेंगे प्लस 90, ठीक है, ठीक है, चलो तो 2/11 150 प्लस 90 क्या होता है 240 मींस इसका क्या आएगा 4/7/11 minutes, ये आपका आंसर हो गया ना, ये आप तो आंसर लिख के अगर और एग्जाम में ये ऑप्शन भी दिया रहेगा क्योंकि एग्जामिनर बहुत चला गया और आप इसको टिक मार के भी चले आएंगे, बट ये आंसर नहीं है, ठीक है, अब मैं आप लोगों को बोलूंगा ये क्यों आंसर नहीं है, 5 o'clock एंड 5:30 के बीच में कितना मिनट है 30 minutes है, 5 o'clock एंड 5:30 के बीच में कितना मिनट्स होगा 30 minutes, और हमारे
पास क्या आया 43 मिनट्स। हाउ इज दैट पॉसिबल, कैसे आएगा दोनों के बीच में 43 मिनट्स में कोई सेट कर रहा है, हाउ इज दैट पॉसिबल, नहीं हो सकता है। ये इस फॉर्मूला का ड्रॉबैक्स है, उसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आग बंद करके आंसर टिक मत मार दीजिए, लॉजिकली सोचिए, ट्राई टू बी लॉजिकल, ठीक है। कैसे हो सकता है 5 o'clock एंड 5:30 के बीच में क्या होता है 30 मिनट्स, आंसर क्या है 43 मिनट्स, हाउ इज दैट पॉसिबल। आप तो टिक मार के आ जाएंगे ना, क्योंकि कोई ध्यान नहीं लगाता है जितना जल्दी हो सके। बट प्लीज ऐसे क्वेश्चन में, मैं ये क्वेश्चन इसीलिए दिखा रहा हूँ कि ये एक्सेप्शनल है, आप आंसर पे ध्यान देना, ऐसा ना हो कि आप मार के आ गए बहुत खुश है कि मैं तो सब कुछ करके आया हूं, बट जाके गलत ना हो जाए, ठीक है। एक एक नेगेटिव मार्किंग बहुत डिपेंड करता है आपके पर्सेंटेज के ऊपर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इतना तक कीजिए, गलत हो गया सिंपल, इसमें सिर्फ नेगेटिव बिठा दीजिए, माइनस कर दीजिए और कुछ नहीं करना है आपको। 13 × 5 - 19 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये ड्रॉबैक्स है, बट नॉर्मली मैं बोलूंगा कि जैसे मैं सीखा हूं ऐसे ही कीजिए, बट आंसर एक बार चेक कर लीजिए, 150 - 90, ठीक है, 150 - 90, ठीक है। तो आपका क्या आएगा, तो आपका आएगा अभी 60 2 by 11 into 60, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा, कर लो 120 by 11, ठीक है, 120 by 11 एंड दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, और ये क्या है मिनट्स, ठीक है, 1 by 11 minutes। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, मैंने अपना प्रॉमिस निभाया, मैं आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि एग्जाम के पहले मैं क्लॉक्स एंड कैलेंडर का लेक्चर लेके आऊंगा, मैं लेक्चर लेके आया। तो आपका एक ही काम है, आप लोग अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, मैं चाहता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करें एग्जाम में। सो ऑल द बेस्ट, सबसे पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, ऑल द बेस्ट, अच्छी तरह से एग्जाम दो, अच्छी तरह से एग्जाम दो, ठीक है। उतना मत सोचिए कि क्या होगा, कितना कट ऑफ है, सब कुछ भूल जाइए, जितना आपसे हो सकता है गिव योर लेवल बेस्ट, और कुछ देखना नहीं है, ठीक है। और जो जो मैं सिखाए ये सब फॉलो कीजिए अच्छी तरह से, जैसे जो जो मैं स्ट्रेटेजी वाला वीडियो बनाए वो सब फॉलो कीजिए, मैं अपना प्रॉमिस निभाया। तो आप भी एक काम करना, प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, जितना हो सके लाइक कीजिए, ठीक है, कॉमेंट कीजिए और शेयर तो कीजिए, क्योंकि ताकि सबको मदद मिले, ठीक है। एंड लास्ट ऑफ ऑल द बेस्ट, अच्छी तरह से एग्जाम दीजिए, ठीक है, मैं सबको अच्छे कॉलेज में देखना चाहता हूँ। तो ऑल द बेस्ट, बाय।